करण छोड़ो ना मुझे, प्लीज जाने दो। नहीं जाने दूंगा। करण प्रीतम, ये क्या हो रहा है? करण, करण दरवाजा खोलो। दुश्मन आया गेट पर। दुश्मन? रुको, ये लो करण रुद्रा का बैट। बाहर दुश्मन है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा। करण, करण दरवाजा खोलो। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्या अंदर क्या चल रहा है? चलो हट, अब मुझे जाने दो। क्या? अभी मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन मुझे जाना, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें? क्यों बताएं? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बात होती है ना, वो सीक्रेट होती है, अरे गरे को नहीं बताई जाती, समझी? मिस्टर हस्बैंड, मिसेस वाइफ, इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दो। ओके मिसेस, करण तुम मेरी बात सुनो। ये करण, दरवाजा खोलो। चलो, हमारा पूरा प्लान खराब हो गया ये दोनों। और सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, वो नशे वाली, वो ड्रिंक पान वाली, वो तो हमने करण को पिलाई थी ना, प्रीत का नशे में क्यों है? बोलो, उधर से देखती हूँ। एक मिनट रुको। ए, अंदर मत झांको। प्रीता अंदर कैसे? प्लान तो ये था ना कि मैं अंदर रहूंगी और सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये दोनों, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। कुछ करो ना शोलन, प्लीज कुछ करो। सुनो, अगर घर वालों में से किसी ने इनको साथ में देख लिया कि ये दोनों इतने क्लोज हैं, तो नहीं, नहीं, नहीं। हम प्रीता को ये बात किसी को बताने नहीं देंगे। ये बात हम घर वालों से छिपा के रखेंगे कि करण और प्रीता एक साथ एक ही कमरे में थे, ठीक है? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ओके, अंदर जाकर आउट। Oh my God, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। संजना, रमोना, मैं भाई से मिलने जा रही हूँ, चलो ना मिलके आते हैं। ओह यस, महेश जी से जरूर मिलते हैं, चलो। हाँ, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, चलो। मायरा, घर वाले यहीं पर आ रहे हैं। प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना। हम किसी को नहीं बुलाएंगे, करण और प्रीता एक साथ कमरे में, ठीक है? शर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भाई से मिलने जा रहे हैं, चलो ना मिल के आते हैं। बुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो हम पापा जी से मिले थे। शर्लिन, मायरा, हम जानते हैं कि तुम लोग महेश जी से मिल चुके हो, तो क्या हुआ? चलो हमारे साथ दोबारा, मम्मियों के साथ। हाँ शर्लिन, चलो ना सबके साथ, चलो अच्छा लगेगा। चलो चलो, आओ बेटा। भाई भाई, मैं जानती हूँ डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पर क्या करूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही क्या, पूरी फैमिली बहुत खुश है। आप कोमा से बाहर आ गए, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। देखिए ना, आपसे मिलने सब लोग आए हैं, संजना, रम, अरे मैंने तो आपको रमुना से मिलवा ही नहीं। आप जानते हैं ना, रमुना भाभी की फ्रेंड है। करीना, महेश जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना महेश जी? पर पता है क्या, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
मैं इतने सालों के बाद आपसे मिल रही हूँ और ये भी कोई तरीका है मिलने का? आपको याद है आपकी और राखी की जब नई नई शादी हुई थी तो हम लोग कितना मस्ती करते थे, कितना एंजॉय करते थे, वो हंसी मजाक। आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। महेश जी, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हैं, ओके? जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर से हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। भाई, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रमोना अब सिर्फ भाभी की दोस्त नहीं है, बहुत जल्द वो हमारी समधन बनने वाली है। उसकी बेटी माहिरा की शादी हमारे करण से होने वाली है। भाई, आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? अब तो सब लोग यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ वक्त गुजारिए। भाई कुछ तो बोलिए। आंटी, मुझे लगता है हमें अंकल को ना उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम बाहर चलते हैं। हाँ बुआ, माहिरा बिल्कुल सही कह रही है, पापा जी को आराम की जरूरत है, हम बाद में आ जाएंगे ना। चलिए। बुआ, पापा जी का बिल मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे भी पापा जी के सारे काम मैं ही करती हूँ ना। अंकल, हुआ वो पापा जी? क्या भाई? ऋषभ, चले? मैं अभी ऋषभ करण सबको बुला के लाती हूँ। भाई, मैं अभी बुला के लाती हूँ। करीना, हम डॉक्टर को फोन करें क्या? हमने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ है, कमरा अंदर से बंद है और मैं करण के साथ। अगर इस दौरान कोई आया होगा, खटका होगा, क्या सोचा होगा? बाप रे, करण तुम ठीक हो? करण तुम ठीक हो ना? ओके। हाँ, करण मेरा हाथ छोड़ो। शोलिन, भाग के कहाँ जा रहे हो? रुको ना। शोलिन, क्या हो गया? माहिरा, तुमने देखा, पापा जी ठीक हो रहे हैं। एक बार पापा जी ठीक हो गए ना तो हम दोनों की जिंदगी नर्क बन जाएगी, तुम देखना। शोलिन, क्या हो गया? तुम इतना क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है ना, महेश अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हें याद है करण ने क्या कहा था कि जब महेश अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी और उसका मैच खत्म होगा वो मुझसे शादी करेगा। मैच तो खत्म हो ही जाएगा ना, और महेश अंकल की तबीयत भी ठीक हो रही है तो अब मेरी उससे शादी हो जाएगी। इट्स गुड। इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड मायरा, एवरीथिंग इज बैड। सोचो,
महेश लूथरा ठीक हो रहा है ये सुन के मेरी ये हालत है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी जुबान कांपने लग गई है, ऐसा लग रहा है मेरी पैर तले जमीन खिंच गई है। अगर वो सच में ठीक हो गया तो मेरी क्या हालत होगी? अगर महेश लूथरा ठीक हो गया ना माहिरा, तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, और एक बार मैं घर से बाहर चली गई ना तो उसके बाद तुम्हारा भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तुम जो करण से शादी करना चाहती हो, जिसके सपने देख रही हो, वो टूट जाएंगे, तुम्हारी जो इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा माहिरा। कैसे खत्म हो जाएगा शोलिन, कुछ भी बोलती जा रही हो, कुछ खत्म नहीं होगा माहिरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लूथराज के दिल में प्रीता के लिए जो नफरत है वो मैंने भरी है, मैंने इन सब लोगों को एहसास दिलाया कि महेश लूथरा की जो हालत है वो प्रीता की वजह से है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि महेश लूथरा की हालत की जिम्मेदार मैं हूं, और जैसे ही महेश लूथरा ठीक हो जाएगा ना वो सबको मेरे बारे में बता देगा, वो सबको बता देगा कि वो कोमा में मेरी वजह से गया, मेरी असलियत सबको बता देगा। जैसे ही वो लूथराज को मेरे बारे में बताएगा ना, वो लोग मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे, उसके बाद वो प्रीता की अच्छाई के गुणगान गाएगा, वो सबको बताएगा कि प्रीता कितनी अच्छी है, उसके बाद ये लूथराज प्रीता को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही प्रीता इस घर के अंदर आएगी तुम इस घर के बाहर चली जाओगी, वो मेरी असलियत तो जानती है, वो तुम्हारी असलियत भी जानती है, वो सबको बता देगी कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, और करण के दिल में प्रीता के लिए क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर महेश लूथरा हमारी जिंदगी में लौट आया ना तो हम दोनों मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप छुपाए नहीं छुपता, खुद ब खुद सामने आ जाता है। अभी खुद तुम्हारे मुंह से मैंने पृथ्वी का नाम सुन लिया। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहते हो कि मैं आपकी मरने में हेल्प करूं? आपकी ये अधमरी लाश मेरे बहुत काम की है, आपकी यही हालत दिखा दिखा के मैं लूथरा परिवार को टॉर्चर करूंगी, स्पेशली वो करण को, उसे एहसास दिलाऊंगी कि उसके डैड की ये हालत उस प्रीता की वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं। जल्दी छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है, तो मेरा हाथ छोड़ो। नहीं जाने दूंगा, पहले वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो ना। 3 मैजिकल वर्ड्स? कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? जो मैंने कहा था तुमसे पूछने के लिए। ये तुम क्या बातें कर रहे हो करण, तुमने भांग पी ली ना, मैंने कितना चाहा कितना रोका कि तुम वो भांग वाली ड्रिंक मत पियो, लेकिन दोनों लड़कियों ने तुम्हें वो भांग पिलाई थी। अच्छा हुआ अब मैंने उन दोनों को स्टोर में बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा नुकसान ना कर सके, लेकिन मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि अब वो कहाँ है। तुम मेरा हाथ छोड़ो। कौन दोनों? छोड़ छोड़ छोड़। किन्होंने भांग पिलाई मुझे? करण मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त मुझे जाना है। देखो मैं जो काम करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत हेल्प होगी। पक्का तुम्हारी हेल्प होगी? करण मेरी नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प होगी, प्लीज मुझे जान दो। ये सब तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे, मैं तो कब से प्रे कर रही थी कि महेश अंकल ठीक हो जाए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे प्रे करने से कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से हुआ है, कुछ दिनों से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था।
हाँ तो शर्लिन, ऐसा भी हो सकता है कि तुम ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो. कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, दैट्स इट. ये खुद व्हीलचेयर पे, खुद व्हीलचेयर पे जा रहे हैं. ये फैमिली के पास जाएंगे और उसको उनको बता देंगे, सब बता देंगे ना कि तुमने तुमने उनको ऐसा किया था. प्रीता ने कुछ नहीं किया था, प्रीता बहुत अच्छी है और प्रीता की शादी हो जाएगी करण से. करण उसे एक्सेप्ट कर ले, कहीं फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले कि ये. मोहरा स्टॉप इट, इतनी हाइपर मत हो. तुम खुद तो हाइपर हो रहे हो, मुझे भी हाइपर कर रही हो. मुझे सोचने दो कि क्या करना है. लेट मी थिंक. सुनो, मार देते सोचने का टाइम नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है. मार देते उनको. महेश लोटा को सीढ़ी से धक्का दे देती हूँ, तुम जाके फैमिली वालों को बुला लो, ठीक है? फैमिली का यहाँ क्या काम है? अरे उन्हीं का तो इम्पोर्टेंट काम है. देखो, मैं जैसे ही महेश लोटा को सीढ़ी से धक्का दूंगी और फैमिली वाले आएंगे, तो मैं कहूँगी कि महेश लोटा पापा जी सीढ़ियों से गिर गए. और वो गिरे नहीं, किसी ने उन्हें धक्का मारा है. वो धक्का देने वाला इंसान कोई और नहीं, प्रीता अरोरा. उसके बाद क्या होगा वो तो तुम जानती हो. वैसे आज जब मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंकूंगी ना, तो सीधा ऊपर जाएगा. इस बार में कर्म जो इतने अच्छे किए, नरक में रहकर क्या करेगा तू? लेकिन जाने से पहले तुझे एक बात बता दूं, तेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तू कोमा में पहुंचा, वो मेरे पुल्लू बेटे ने किया था, यानी कि पृथ्वी मल्होत्रा ने. तुझे ऊपर पहुंचाने का कार्यक्रम मैं करने वाली हूँ. मरने के लिए तैयार हो चुपटे. अंकल, अंकल ये आपकी हालत, पूरी फैमिली आ रही है, वो आपको ऐसे देखेगी, बहुत तकलीफ होगी. शोलिन के हेल्प के लिए नहीं आई हूं. मैं यहां पे शर्लिन की हेल्प के लिए आई हूं. I'm so sorry. महेश अंकल की आवाज. Thank you.
महेश अंकल। डैडी, ओह गॉड, डैडी, चचू, डैडी, 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 चचू, डैडी, चचू, डैडी, आगे कोली, डैडी।